आज की घटना में ब्योमकेश से सुनकर यकीन नहीं कर पा रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। ब्योमकेश के तेज तर्रार दिमाग का प्रमाण मुझे बहुत बार मिला है, लेकिन ये जो घटना है कुछ अलग ही है। एक दिन हमारे पहचान के पुलिस वाले दरोगा पीरेन बाबू अपनी बेटी की शादी का न्योता देने हमारे घर आए थे। उस वक्त मैं काम में बहुत ही ज्यादा व्यस्त था। पब्लिशर के दबाव में लिखावट के काम में व्यस्त होने के कारण बीरेन बाबू की बात रखने के लिए ब्योमकेश अकेले ही शादी में गया था। अरे सनातन भूतो, अरे सब कहाँ चले गए? अरे आइए, नमस्ते वीरन बाबू, नमस्ते। आइए बैठिए बैठिए। हाँ हाँ, आप भी बैठिए। बाप रे, ये तो आपने बहुत बढ़िया इंतजाम किया है। आप आए बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप अकेले आए, अजीत बाबू नहीं दिख रहे। दरअसल उसे एक काम आ गया, इसीलिए नहीं आ पाया। उसने कहा है कि आप बुरा मत मानिएगा। ठीक है ठीक है। वैसे घर ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा जल्दी आ गया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आप सही वक्त पर आए हैं। दरअसल शादी का मुहूर्त शाम के बाद ही है, और ये दूल्हा और बाराती हमारे मोहल्ले के ही हैं। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन आप अगर मेरे साथ बैठकर यहाँ गप्पे मारेंगे तो उधर कौन संभालेगा? नहीं नहीं, आप जाइए वहाँ पर संभालिए, मैं यहाँ बैठा हूँ। आप मेरे परम अतिथि है, चिंता की कोई बात नहीं है। अरे सनातन भूतो, आप चिंता मत कीजिए। कहीं सर, सुन, अच्छा आप ठंडा या गरम क्या लेंगे? आप मुझे एक कप चाय पिला देंगे? आप कैसी बातें कर रहे हैं सनातन। बाबू के लिए एक कप चाय लेकर आओ, और चाय देकर उधर जाकर जरा ध्यान रखो, ठीक है? अरे बीरेन, अरे बेटी की शादी में कैसा इंतजाम किया, वही देखने आया। आइए आइए आइए, मैं आपको मिलवा दूं। ये हमारे परम मित्र हैं, कोलकाता से आए हैं, हम एक ही गोत्र के हैं। ये हमारे बहुत ही प्रसिद्ध ब्योमकेश बख्शी। हाँ हाँ, नाम तो सुना ही है। नमस्ते नमस्ते। बैठिए 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 बैठिए, आप भी बैठ जाइए। अब भैया के बारे में बता दूं, भैया का नाम है नीलमणि मजुमदार। ये एक बहुत ही बड़े पुलिस ऑफिसर थे, अब रिटायर होने के बाद हमारे साथ ही रहते हैं। वाह, हाँ वैसे सत्यान्वेषी। ओके, अच्छा है। लेकिन आपका वो दोस्त मिस्टर वॉटसन नहीं दिख रहे हैं? मिस्टर वॉटसन? ओह अच्छा, आप अजीत के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, उसे कोई जरूरी काम आ गया, इसीलिए वो अच्छा, नहीं आ पाया। अच्छा, आप लोग बैठकर बातें कीजिए, और आपके लिए कुछ पानवान का इंतजाम किया है, आप लोग यहाँ जाइए। अच्छा अच्छा, वहाँ जाए आप उधर जाकर। हाँ, मैं जा रहा हूँ भैया, आप जा रहे हैं। हाँ, ब्योमकेश बाबू के साथ बैठिए। हाँ जरूर, तुम जाओ तुम जाओ। ठीक है, हाँ जा रहा हूँ। अभी तुम कन्यादान करने वाले हो तो तुम्हें अभी बहुत काम होगा। हाँ बैठिए बैठिए, हम लोग बैठते हैं। बीरेन बाबू ने तो व्यवस्था बहुत बढ़िया की है। करना तो पड़ेगा ही, बेटी की शादी जो है। हाँ वो तो है। अच्छा नीलमणि बाबू, आपका क्या स्थायी निवास इसी शहर में है? नहीं नहीं साहब, मेरा आदि घर तो पूर्व बंगाल में है, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं है। रिटायर होने के बाद बुढ़ापे में इसी शहर में आकर बैठ गया। फिर तो इस शहर में आपके बहुत सारे रिश्तेदार भी होंगे? नहीं साहब, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं तो अकेला आदमी हूँ। शादी वादी भी नहीं की समझे, पूरी जिंदगी बस काम ही करता रहा। पुलिस का काम था, समझते ही हो, पूरे दिलो जान से मैंने काम किया है। इसी शहर से ही मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई। अच्छा, इनफैक्ट इस सर्विस में मैं जब ज्वाइन हुआ तब सब इंस्पेक्टर के रूप में मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी इसी शहर में। और देखिए समय का फेर, रिटायर भी हुआ इसी शहर में। इसका मतलब तो इस शहर के साथ आपका एक लगाव है कहना चाहिए।
हाँ होगा या वैसा ही कुछ होगा। अच्छा नीलमणि बाबू आप कितने दिनों पहले रिटायर हुए हैं? मैं यही कुछ 7 साल तो हो ही गए रहेंगे। 7 साल हो गया। अच्छा साहब आपके बारे में जो रहस्यमय कहानियां छपती है ना वो सारे के सारे मैंने पढ़े हैं। आप तो बड़े दिमाग वाले इंसान हैं, हर समस्या का बिल्कुल सही से समाधान कर देते हैं। हाँ ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है। नहीं नहीं साहब हमारे दुआ से क्या होता है, ये तो आपकी प्रतिभा है। खैर छोड़िए आपसे मेरी मुलाकात हो गई ये बहुत अच्छा हुआ। ये सब कहानियाँ पढ़ते पढ़ते मुझे हमेशा एक बात याद आती है हमेशा। अच्छा ये जो आप इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते हैं एनालिसिस करते हैं इसमें आप कभी गलत नहीं हुए? देखिए नीलमणि बाबू बात ऐसी नहीं है, इंसान से गलती तो होती ही है। मैं सत्यान्वेषी भले ही हूं पर सबसे पहले तो मैं इंसान हूं। हां ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं असल अपराधी को पकड़ नहीं पाया लेकिन कभी सच से सामना नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। और वैसे भी मैंने कितने रहस्यों में काम किया है बताइए, मुझसे कहीं ज्यादा रहस्यों में तो आपने काम किया है। अगर मैंने भी आपकी तरह इतने सारे रहस्यों में काम किया होता तो फिर शायद मेरे भी एक दो केस बिना सुलझे रह जाते। खैर आप मेरी बात छोड़िए, आपने जिन जिन रहस्यमय घटनाओं पर काम किया है उनमें से 2-4 घटनाओं के बारे में मुझे बताइए। पुलिस के केसेस? हाँ। अरे दत्त साहब ये पुलिस के काम ये बहुत ही परेशानी के काम है, बेकार काम है समझे। वैसे कोई तड़कती भड़कती घटनाएं नहीं घटती, रूटीन काम है ना, वो क्या कहते हैं वो छोटी मछलियों का ही कारोबार ज्यादा रहता है समझे। रुई कतला जैसे बड़े बड़े केस बहुत कम मिलते हैं, लेकिन हाँ मेरे तजुर्बे से कह सकता हूँ कि ये छोटी मछलियों को पकड़ना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है, रुई कतला को पकड़ना बहुत ही आसान है। हर जगह शायद ये बात सही नहीं है नीलमणि बाबू, लेकिन उम्मीद करता हूं आपने जितने भी रुई कतला को लेकर काम किया है सभी को शायद अच्छे से दबोच कर पकड़े होंगे। एक इंसान पर मुझे बिल्कुल सही शक था, लेकिन उस आदमी का एलिबाई इतना ही स्ट्रांग था कि किसी तरह से वो तोड़ नहीं पाया। और ठीक उसी वक्त एक ऐसी घटना घटी कि ये केस समझो उल्टा पुल्टा हो गया। असली गुनहगार कौन था वो शक अभी भी पूरी तरह मिट नहीं सका। मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं, लगता है कहानी बहुत ही मजेदार होगी, सुनाएंगे? सुनेंगे बिल्कुल, क्योंकि अपराधी कौन है ये तो आप समझ गए लेकिन उसे आप पकड़ नहीं पाए ये बात आप जरा खुलकर बताइए। चलिए अब शुरू कीजिए। तो फिर सुनिए ध्यान से। रिटायर होने के कुछ 2 साल पहले मैं इस जिले के सदर थाने का बड़ा बाबू बनकर आया। लोग कहते हैं मेरे 3 गुण थे, पहला मैं बुद्धिमान हूँ, दूसरा मैं कर्मठ हूँ और तीसरा मैं घूस नहीं लेता। ये शहर नामचीन गुनहगारों से भरा हुआ था, खून खराबा गैरकानूनी काम ये सब चलता ही रहता था। मैं इस शहर से परिचित हूं इसलिए मैं शहर को अच्छे से जानता हूं।
परेशानी एक ही थी, गुनहगारों को पकड़ के हमेशा अदालत नहीं भेज पाता था। किसी न किसी राजनीतिक लोगों के कहने पर मुझे उन्हें छोड़ना ही पड़ता था। सोचता था क्या होगा इस शहर का, इस देश का। ये मामला तुम संभाल नहीं सकते क्या? सब कुछ मुझे ही संभालना है। जाओ जाकर देखो। मेरी आदत थी हफ्ते में दो दिन साइकिल चला के रात के वक्त मुआयना करना। शहर में एक खास जगह थी जो क्रिमिनल स्पॉट था। मैं रात के अंधेरे में अकेले अकेले साइकिल में घूमता रहता था। मेरे साइकिल में कोई लाइट नहीं होती थी। मेरे साथ होती थी एक पिस्तल और एक टॉर्च। जरूरत पड़ती थी तो मैं टॉर्च जलाता था। एक दिन रुक, कौन है, कौन है, कौन है वहां, कौन है? जल्दी जल्दी आओ। हाँ अभी आया। ये देखो अभी अभी कुछ लोग ये लाश यहाँ फेंक कर चले गए। अच्छा सर। हाँ जरा यहाँ टॉर्च मारो। हाँ यहाँ यहाँ। हाँ तुम एक काम करो। ए जी। देखो तो उधर कोई मिलता है क्या, जाके उधर देखो। जाओ जल्दी जाओ। हाँ सर। क्या हुआ, मिला कोई? आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। इधर आओ मेरी बात सुनो। यहाँ पे आओ यहाँ पे आओ। ये देखो तो इसे तुम लोग जानते हो? साहब ये तो हाशी है, सुरेश्वर की बीवी। हाशी? हाँ सर। सुरेश्वर की बीवी? इसके घर में और कौन कौन है? घर में हाशी और सुरेश्वर के अलावा और कोई नहीं है। कोई नहीं है? नहीं कोई नहीं है। अच्छा अच्छा हवलदार जी बोलिए। तुम एक काम करो तो। हाँ? तुम जाकर अभी थाने में खबर पहुंचाओ। हाँ? और इस लाश को हॉस्पिटल में पहुंचाने का इंतजाम करो। हाँ जी सर। समझ गए? और ये मैं जरा सुरेश्वर के घर जाना चाहता हूँ, तुम लोग दिखा दोगे? हाँ सर। हाँ, चलिए 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 आइए आइए। अच्छा इस घर में जो लड़की रहती थी हाशी, उसे तो आप पहचानती थी, आप उसकी पड़ोसी हो ना, है ना? अच्छा इस लड़की को कोई बीमारी वगैरह थी क्या? हाशी को कोई बीमारी हो सकती है, मुझे तो नहीं लगता है। आज शाम को ही तो उससे बात हुई थी। हाँ। उसके बाद हाँ याद आया, वो विनोद बाबू से दरवाजे पर ही खड़ी होकर बात कर रही थी। विनोद बाबू? हाँ। वैसे ये विनोद बाबू है कौन? विनोद बाबू विनोद सरकार, वो बाजार में सोने चांदी की दुकान है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हाशी तो शादीशुदा थी, तो उसका पति कहाँ है कुछ पता है? मतलब देखिए अगर आपको पता है तो बताइए, क्योंकि ये जो हादसा हुआ है इस बारे में उसके पति को तो खबर पहुंचानी पड़ेगी। उसका
उसका पति रोज शाम को खाने पीने के बाद निकल जाता है और घर लौटने में 1:30 बज जाता है रात को। हाँ। ओ, अच्छा। कहाँ जाता है वो? जो काली किंकर बाबू के अड्डे पर जाते हैं ताश खेलने। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे ये काली किंकर बाबू का अड्डा कहाँ है आपको पता है? मतलब वहाँ का पता क्या है? हाँ सर, वो जो शीतला मंदिर है ना, शीतला मंदिर के बिल्कुल सामने ही है। ओ, अच्छा अच्छा अच्छा, शीतला मंदिर के बिल्कुल सामने है। ठीक है, मैं कल सुबह दोबारा आऊंगा। ठीक है। क्यों, तुम्हें क्या हुआ? मन नहीं कर रहा है। मुझे मत दो। अरे खेलो तो सही। लाओ इधर दो। अच्छा देवू जी, अगर हम चाय पीते तो मजा आता ना। हाँ बिल्कुल सही, आइडिया खराब नहीं है। चाय? हाँ। इतनी रात को मेरा ससुर क्या दुकान खोलकर बैठा हुआ है? हे, तुम आजकल बहुत कंजूस हो गए हो। चलो मेरा है, मेरा है। अरे चलना, चलो खेल जल्दी। चलो भाई, ये लो जल्दी पकड़ो। क्या हुआ सर? तुम्हारा नाम सुरेश्वर है? क्या हुआ बताइए। मैंने जो पूछा है ये उसका जवाब नहीं है। हाँ, मैं ही सुरेश्वर घोष हूँ। अब बताइए, इतने लोग रहने के बावजूद भी आप मुझे ही क्यों ढूंढ रहे हैं? वजह है, तभी तो पूछ रहा हूँ। वैसे यहाँ पर कितनी देर से ताश खेल रहे हो? शाम से साहब। शाम से? लोग सच कह रहे हैं साहब। तुम मुझे बताओ, तुम लोग घर कब गए थे? घर? नहीं नहीं, घर तो मैं गया नहीं था। घर नहीं गए? नहीं। अच्छा, पर मैंने तो देखा कि आप और तीन लोग घर से एक लाश लेकर निकल रहे थे। मैं? आपने गलत देखा होगा दरोगा बाबू। गलत देखा था? इतनी आसानी से मुझे गलती नहीं होती। अंधेरे में आपने दरोगा बाबू पता नहीं किसको देख लिया होगा। ओ, अच्छा अच्छा अच्छा। इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि आपको नहीं पता कि आपकी बीवी हाशी मर चुकी है? क्या बोल रहे हैं? हाशी? क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं शाम को ही तो उससे बात करके आया था। अच्छा अच्छा। कब मर गई वो? काली भैया चलो घर चलते हैं। कोई फायदा नहीं है, लाश को ऑलरेडी हॉस्पिटल भेज दिया गया है। नहीं, कब हो गया ये सब? नौटंकी चल रही है। हाँ, नौटंकी? नहीं नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा था। आप खुद ही पूछ लीजिए। हम सब 8:30 बजे तक यहीं पर बैठे थे, 1 मिनट के लिए कहीं भी नहीं गए। कहीं नहीं गए? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। और यहाँ बैठकर ताश खेल रहे हो, जुआ खेल रहे हो। माफ कर दीजिए दुर्गा बाबू, मैं तुम सबको अरेस्ट करूंगा जुआ खेलने के जुर्म में। नहीं नहीं, काले किंकर कौन है? कौन है काले किंकर? मैं हूँ सब। तुम हो? मैं हूँ सब। चलो चलो, तुम मेरा गुना क्या है? गुना? जुआ खेलने को बढ़ावा देना कानून की नजर में जुर्म है। गलती हो गई साहब, अगली बार नहीं करूंगा। आज के बाद कभी जुआ नहीं खेलूंगा साहब। ठीक है, आज रात के लिए छोड़ दिया, लेकिन कल सुबह एक के बाद एक जाकर थाने में हाजिरी लगाना। और एक बात याद रखना, अगर भागने की कोशिश की, जिस भी मुल्क में जाओगे मारते मारते लेकर आऊंगा वहां से। दरोगा बाबू, समझे कि नहीं? मेरी हाशी, मेरी हाशी, मेरी। चिंतामणि बाबू, नमस्ते। बैठो। काम क्या करते हो?
मेरा अलग अलग व्यापार है। जैसे क्या क्या बताओ? होलसेल का व्यापार है मेरा। अरे बाप रे, फिर तो आपकी अच्छी कमाई होती होगी। सही कह रहा हूं ना मैं? कह सकते हैं। तो घर खुद का है? हाँ खुद का है। कब खरीदा है? 5 साल हो गया है। 19,000 देकर खरीदा है। कितना देकर खरीदा है ये पूछा है क्या? जो पूछ रहा हूं बस उतना ही जवाब दो। ज्यादा बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कितने दिन हो गए शादी को? 7 साल हो गया है। ससुराल कहाँ है? इसी शहर में है। ससुर का नाम क्या है? 3 मड़ी हालदार। तो अभी वो कहाँ है? पता नहीं, शायद वो जेल में है। जेल में? जेल मेरे ससुर का घर बार है। ओ, तो ससुर के साथ संबंध कैसे है? अच्छे नहीं है। बीवी के साथ? क्या कह रहे हैं? पूछ रहा हूं बीवी के संबंध अच्छे थे? 7 साल बाद जितना अच्छा होना चाहिए था उतना ही था। बच्चे? नहीं है, हाशी बांस थी। आज रात 12 बजे के करीब आप 4 लोग आपकी बीवी के डेड बॉडी को लेकर घर से बाहर जा रहे थे और वो मैंने टॉर्च की रोशनी से देख लिया था। आपने गलत देखा था, उस वक्त हम लोग ताश खेल रहे थे। ताश खेल रहे थे? हाँ। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बीवी का स्वभाव चरित्र कैसा था? औरतों का स्वभाव चरित्र कौन बता सकता है, लेकिन आस पड़ोस के लोग बदनामी करते थे। क्यों बदनामी क्यों करते थे? वही मैं रात को घर लौटता था। कुछ महीनों से कोई आदमी बगीचे में हाशी से मिलने आया करता था। अरे बाप रे, तो इस बारे में बीवी के साथ कोई बातचीत नहीं हुई थी क्या? उसने सब कुछ इनकार कर दिया था। कोई बहस वगैरह, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ था? नहीं। विश्वास करना होगा? आप कह रहे हैं विश्वास करना होगा? मुझे जो कुछ भी बताना था बता दिया। विश्वास करना ना करना आपकी मर्जी। और कुछ? हाँ, मेरी बीवी की अलमारी में कुछ गहने देखे थे जो मैंने उसे नहीं दिए। तो वो गहने कहाँ से आए, आपने कभी हाशी से पूछा नहीं? क्या होता पूछ के? जो औरत बर्बाद होना चाहती है उसे कौन रोक सकता है? ओ, लेकिन खून कर सकते हो। मैंने हाशी का खून नहीं किया। मेरे पास इसका सबूत है। किस चीज का सबूत? आपने हाशी का खून किया है। अगर आपके पास सबूत है तो दिखाइए। आप जिस समय की बात कर रहे हैं वो सब लोग मेरे साथ ही थे वहां पे। बगीचे में जो आदमी हाशी से मिलने आता था उसके बारे में कभी पता नहीं लगाया? हाँ लगाया था, पकड़ नहीं पाया। ठीक है, आप अभी जाइए। जाइए। काली किंकर, किराने का दुकान है आपका? जी जी हुजूर। तो इस परचून की दुकान के पीछे जुआ का व्यापार कब से चल रहा है? जुए का व्यापार? नहीं 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 हुजूर, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल यहाँ कुछ दोस्त आते हैं और हम लोग ताश वगैरह खेल लेते हैं। ताश वाश खेलते हो? लेकिन इस वजह से मैं तुमको सदर जेल में भी भेज सकता हूँ, क्या पता है तुम्हें? मत भेजिए हुजूर, मैं सबको छोड़ दूंगा। ठीक है, सुरेश्वर रात के 12 बजे घर क्यों गया था? जी वो तो नहीं गया था हुजूर। फिर झूठ बोल रहे हो? जी झूठ नहीं बोल रहा हुजूर, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। वो रोज 8 या 8:30 के बीच मेरे दुकान पे आया करता था। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ हुजूर, मेरी बात का यकीन मानिए। वो लेट हो जाने पर मैं उसे कई बार कहता था, सुनो सुरेश, घर में कम उम्र की बीवी है, जा अपने घर लौट जा। पर मेरी बात मानेगा तब ना हुजूर। अच्छा, सुरेश्वर ने इतने पैसे कैसे कमा लिया? एक वक्त तो उसके पास फूटी कौड़ी नहीं थी, उधार लेके थोड़े पैसे बना लिए थे, और जब शादी हुई तो एकदम गरीब हो गया। तो
तुम उसके ससुर को पहचानते हो? ससुर को? वो तो एक नंबर का चोर है हुजूर। चोरी करता है जेल जाता है, चोरी करता है जेल जाता है। हुजूर, हाशिर की माँ भी बड़ी बदनाम है। पर क्यों? वो जब हाशिर का बाप जेल जाता था तो वो गैर मत लेके घर में लाती थी। अच्छा जी, तो ये बात तुम्हें कैसे पता है? नहीं मतलब मुझे ठीक से नहीं पता, नहीं बस सुना है आसपास के लोगों को कहते हुए। लेकिन हुजूर, सुरेश्वर को हम लोगों ने बहुत बार मना भी किया था कि शादी ना कर, लेकिन कर ली। वो क्या, तालमेल तो बिल्कुल ठीक नहीं था। लेकिन हुजूर, सुरेश्वर ने हाशी का खून किया ना, ये बात सच नहीं हो सकती। वो अच्छा लड़का है, ऐसा काम कर ही नहीं सकता। शायद उससे मिलने जो बगीचे में आदमी आता था उसने ही खून किया हो। ठीक है, जाओ, अब तुम निकलो। मैं जाऊं हुजूर? हाँ जाओ। लगता है इनमें से कोई नहीं बोलेगा कि हाशी का खून सुरेश्वर ने किया है, लेकिन ये तो सच है कि मैंने सुरेश्वर को उस रात साफ साफ देखा था। ठीक है, देवू मंडल और विलास दत्त को पूछताछ करके देखता हूँ वो लोग क्या बोलते हैं। हाँ, वो पानी में डूबने वाला केस का। हाँ, अंदर आओ हुजूर। हाँ, क्या खबर है उसकी? हाँ ठीक है, मुझे रिपोर्ट भेजो, मैं देखता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? जी देवू मंडल। वाह, बहुत अच्छे। तो क्या करते हो? जी कोयले और लकड़ी का व्यापार करता हूँ। अच्छा, शमशान में तुम्हारा एक गोदाम है ना? जी हाँ। अच्छा, तो अब सच क्या है बता दो बेटा जी, सुरेश्वर ने उसकी बीवी का खून क्यों किया? सुरेश्वर ने मान लिया है कि उसने खून किया है, लेकिन क्यों किया है वो नहीं बोल रहा है। उन दोनों के बीच क्या हुआ था पता है? जी, वो कैसे खून कर सकता है? आप जो समय बता रहे हैं उस समय वो हमारे साथ ताश खेल रहा था। अच्छा जी, लेकिन उसने तो मान लिया है। मुझे नहीं पता, लेकिन लेकिन अगर उसने ये बात मान ली है तो हमारे साथ जो ताश खेल रहा था तो क्या वो भूत था? फिर बकवास कर रहे हो? तुम्हें अच्छे से पता है सुरेश्वर ने क्यों खून किया है? मैं सच कह रहा हूँ हुजूर, इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं तो बस इतना जानता हूँ उस रात 8:30 बजे तक हम सब वहाँ एक साथ बैठ कर ताश खेल रहे थे। ठीक है, अभी तुम यहाँ से जाओ। और सुनो, तुम्हारा वो दोस्त है ना विलास दत्त, उसे भेज दो, जाओ। जी हुजूर। जाओ विलास दत्त। जी आ गया। वैसे नाम तो बहुत बढ़िया है। हाँ, पिताजी ने बहुत प्यार से नाम रखा था, वो तो कभी विलासिता कर नहीं पाए इसलिए दुखी होकर मेरा नाम रख दिया था। वैसे तुम शायद बहुत विलासिता करते हो। विलासिता? ना 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 ना, मैं तो ठेकेदारी करता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर हूँ। जब दोस्त लोग ही विलासिता नहीं कर पाते तो मैं कैसे कर सकता हूँ बताइए। चुप, बदतमीज आदमी कहीं के। नहीं, आपने जानना चाहा इसलिए मैंने बोल दिया बस। वैसे तुम्हारे पास तो बहुत बॉस है। बहुत बॉस है, लोगों को देखना पड़ता है ना इसलिए। डेड बॉडी को ले जाने के लिए बास का इस्तेमाल होता है, तुम्हें तो पता ही है। जी हाँ, पता है, पता है। और वो बास भी तो तुम ही देते हो। हाँ देता हूँ, छोटा मतलब कच्चे। अच्छा, हाशी के डेड बॉडी के लिए बास भी तो तुमने ही दिया था है ना? नहीं नहीं, वो मैं क्यों दूंगा, सुरेश्वर तो मेरा दोस्त है, मैं उसे बॉस देने क्यों जाऊंगा भला बताइए। लेकिन सुरेश्वर ही तो ये बात बोलकर गया। सुरेश्वर बोल के गया? हाँ। देखिए देखिए, दोस्त की मदद करने जाओ तो क्या होता है भला, देखिए। तो तुमने ऐसी कौन सी मदद की थी बताओ? मतलब मैंने उसे बोला था कि मैं उसे बांस नहीं दूंगा,
तो उसने उल्टा मुझे बांस दे दिया। बताओ चुप, जाओ यहां से। बांस रास्कल कहीं के, उनको जेल में बंद करके नहीं रख पाया, उनके वकील जामीन करा के लेकर गए। मैं जानता हूं सुरेश्वर ही खूनी है, और ये भी जानता हूं वो तीन लोग भी इस खून में शामिल थे, लेकिन क्या करता, कोई सबूत नहीं। मैंने खुद अपने आंखों से जो देखा उसे मैं साबित कैसे करता बताइए, मेरी गवाही तो उनके वकील के पूछताछ में ही खत्म कर देते। अंत तक भी खून हुआ है साबित नहीं कर पाया, वही जुआ खेलने के गुनाह में उनको पकड़ के रखा था, क्या करता, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तहकीकात नहीं रोकी थी। मेरे एक सहयोगी के साथ उसके पड़ोसियों से बयान लिया, उसके बाद करीब 3 बजे मैं गया था सुरेश्वर के घर पर। उठ जाओ सुरेश्वर घोष, आपका यम आपके सामने हाजिर है। अब क्या चाहिए? क्या चाहिए? आपके बीवी के गहने निकालिए, जरा देखना चाहता हूं। ये सब मैंने नहीं दिए थे। ओ ठीक है, इनको मैं फिलहाल मेरे पास ही रखता हूं, बाद में लौटा दूंगा। आपको देखकर मैं बड़ा हैरान हो रहा हूं साहब, इधर आपकी बीवी का खून हो गया और आप बिल्कुल टस से मस नहीं हुए। आप बोल रहे हैं कि आपने खून नहीं किया, फिर मैं देखना चाहता हूं कि किसने खून किया है आखिर, वो जानने की भी कोई इच्छा आपकी नहीं है? नहीं, इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं है, वैसी औरतों के साथ ऐसा ही होता है। छुप छुप कर आशिक से मिलने का नतीजा यही तो होता है। ठीक है, फिलहाल मैं चलता हूं, जरूरत होगी तो मैं दोबारा यहां आऊंगा। वो आदमी सच में बड़ा अजीब था, एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की कि उसकी बीवी का खून कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, किसने किया था। लेकिन नीलमणि बाबू, मैं आपकी बातों को सुनकर साफ साफ समझ सकता हूं कि वो आदमी बड़ा ही गैर जिम्मेदार था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ था बताइए। मैंने 3:30 बजे तक सुरेश्वर के घर का कोना कोना छान मारा। अच्छा, हाशी के मौत का अगर कुछ भी, मतलब कोई एक चीज भी अगर मेरे हाथ लगे। आपके हाथ कुछ भी नहीं लगा? कुछ भी नहीं मिला। कुछ नहीं मिला तो मैं गया था विनोद सरकार की दुकान में, वहां पर विनोद सरकार नहीं मिले तो आखिरकार मुझे उनके घर जाना पड़ा। मैं यहाँ के थाने का दरोगा हूँ। हाँ हाँ, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। वैसे अचानक क्या हुआ कि आप मेरे घर आ गए, कोई गड़बड़ हुई है क्या? नहीं नहीं नहीं, आप बेफिक्र रह सकते हैं, आपने कोई गड़बड़ की है इसलिए मैं यहाँ नहीं आया। मैं आया था आपसे कुछ खबरें इकट्ठा करने के लिए। खबरें? हाँ। कैसी खबरें? क्यों, आपको कोई खबर नहीं मिली क्या? नहीं, मुझे तो कोई खबर नहीं मिली। अच्छा, सुरेश्वर घोष की बीवी हाशी, इसको आप पहचानते हो? बिल्कुल पहचानता हूं। वो मर चुकी है। क्या,
मर चुकी है, लेकिन कल शाम को ही तो मेरी उसे बात हुई थी। हुई होगी, वो कल रात को ही मर चुकी है। कैसे हो सकता है? कल शाम को जब मैंने उसे बात की थी तब तो मुझे वो बिल्कुल बीमार नहीं लग रही थी। अचानक ऐसा क्या हो गया? मुझे लगता है कि उसका खून हुआ है। खून? वैसे ये मेरा अनुमान है और इसीलिए आपसे थोड़ी बातचीत करने आया हूँ। देखिए, मुझे लगता है ये सुरेश्वर का ही काम है। वो सुरेश्वर और उसके यार दोस्त, वो लोग एक नंबर के शैतान हैं। उन्होंने ये काम किया है। अच्छा, आप हाशी को काफी वक्त से जानते हैं? हाशी जब 3-4 साल की थी तब से ही मैं उसे जानता हूं। और सच कहूं तो आप तो पुलिस वाले हैं ना, आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। जवानी में हाशी की माँ के साथ मेरा कुछ मतलब बहुत करीब था मैं उसके, वो भी मान लीजिए 20-22 साल पहले की बात है। और वो हाशी का बाप एक नंबर का बदमाश था, एक नंबर का चोर डकैत बदमाश, अपने परिवार को भी नहीं खिला पाता था। और इसीलिए आप ही उन लोगों के खाने का इंतजाम कर देते थे, है ना? हाँ, कभी कभी। जब हाशी की माँ गुजर गई, गुजरने से पहले मुझे कहा था कि तुम हाशी का ख्याल रखना, इसलिए मैं कभी कभी हाशी से मिलने जाता था। वाह, एक बात बताइए तो, आपको क्यों लग रहा है कि हाशी के पति ने उसका खून किया है? उसका उद्देश्य क्या हो सकता है? देखिए, सुरेश्वर ने जब शादी की तब उसके पास घर बार कुछ नहीं था। दरअसल युद्ध के वक्त ही वो अमीर बना। वो चाहता था कि बड़े लोगों के साथ उठे बैठे, लेकिन हाशी अगर जिंदा हो गई तो वो ये सब नहीं कर पाएगा। अच्छा, इसीलिए उसने हाशी को मार दिया, क्योंकि हाशी के माँ बाप के बारे में सभी जानते थे। अच्छा, हाशी का चरित्र कैसा था? उसके अंदर झूठ या फरेब नहीं था, लेकिन मर्दों के प्रति कमजोर थी। फाटक में जब बैठती थी रास्ते से आने जाने वालों से बात करती थी, लेकिन इसलिए उसे गलत नहीं बोल सकते। देखिए, आफ्टर ऑल वो भी एक इंसान थी, बात करने के लिए उसे भी कोई चाहिए था, बातें करने के लिए उसके पास कोई नहीं था। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, वो लड़की बुरी नहीं थी। क्या हुआ विनोद बाबू, आज इतनी जल्दी दुकान जा रहे हो? अरे और पूछ मत, आज एक गहने की डिलीवरी देनी है और ऐसे में वो हरेन ने आज के दिन छुट्टी ली है, तो मैं अगर थोड़ा जल्दी नहीं जाऊंगा तो कारीगर लोग माल रेडी नहीं करेंगे, इसलिए थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ। वैसे एक बात बता, तू यहाँ खड़ी क्या कर रही है? सारा दिन घर में बैठे रहना ना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, इसीलिए तो यहीं खड़ी रहती हूँ, लोगों को आते जाते देखती हूँ, नहीं तो फिर घर में बैठकर ना सांसें फूलने लग जाती है मेरी। तो तू एक काम कर सकती है, तेरे घर में काम भी बहुत कम होते हैं, तू इस मोहल्ले के बहू बेटियों के साथ बातें भी तो कर सकती है। अरे बाबा, उन लोगों के साथ बातें करते हुए उनके काम में थोड़ा हाथ भी पटा दिया कर, वो भी खुश हो जाएंगे और तेरा वक्त भी बीत जाएगा। मोहल्ले की बहू बेटियां ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, पता है वो लोग क्या क्या करते हैं? वो लोग मेरे पीछे बस कानाफूसी करती रहती हैं। कहते हैं मैं गंदी औरत हूँ, घर में पराए मर्द आते हैं। कुछ भी, तू तो खाम खा शक करती है। नहीं विनोद बाबू, कोई शक नहीं है। ये देखो ना, तुम्हारे और मेरी माँ के बारे में कितना अनाप शनाप बोलते हैं लोग। छोड़ छोड़ ये सारी बातें छोड़, सुन, हर वक्त लोगों के बातों पर कान नहीं देते। अरे पापा, लोग आज तेरे बारे में बोल रहे हैं, कल किसी और के बारे में बोलेंगे। अच्छा वो सब ठीक है, ये सुरेश्वर कैसा है? वो और कैसा रहेगा, वो अपने अड्डे में अच्छा भला ही रहता है, घर आता है बस खाना खाने के टाइम। मैं जो एक अकेली लड़की सारा दिन घर में अकेली बैठी रहती हूँ, मेरी तरफ देखने की उसको फुर्सत तक नहीं है। सब समझता हूँ बेटी, सब तेरी किस्मत है। सुन, अभी मुझे जाना है, अभी मैं चलता हूँ, फिर कभी आऊंगा। ठीक है, जाइए, बातों बातों में आपको बहुत देर करवा दी, आज जाइए, बाद में फिर बात होगी। अच्छा देखिए तो, इन्हें आप
पहचान पाते हैं कि नहीं। हाशी के गहने क्या? मैंने तो कभी उसे गहने पहनते नहीं देखा। नहीं देखा ना। अच्छा, आपने क्या कभी उसको गहने उपहार में दिए थे? नहीं नहीं नहीं, मैं तो उसे पूजा के वक्त साड़ी उपहार में देता था, गहने तो कभी नहीं दिए। अच्छा, जरा देख कर बताइए तो, ये गहने आपके दुकान के बने हुए हैं क्या? नहीं, ये तो हमारे दुकान के नहीं लगती, जरा अच्छे से देखता हूँ। नहीं 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 नहीं, इसे देखकर तो लगता है कोलकाता के कारीगर ने बनाया है। कोलकाता? हाँ, वैसा ही तो लगता है। ठीक है विनोद बाबू, बहुत धन्यवाद आपका। तो आज मैं निकलता हूं। विनोद बाबू को लगता है कि सुरेश्वर ने ही हाशी का खून किया है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिल रहा है। सुरेश्वर ने अगर खुद ही नहीं स्वीकार किया कि उसी ने खून किया है, तो किसी कीमत पर पता नहीं चलेगा कि सुरेश्वर ने ही खून किया है। सुरेश्वर के दोस्त भी उसे बचाना क्यों चाह रहे हैं? उनको क्या फायदा है? काली किंकर, देवमंडल, विलास दत्त, इनमें से कोई भी तो नहीं मान रहा है कि हाशी का खून सुरेश्वर ने किया है। नहीं, अजीब परेशानी है। अरे नीलमणि बाबू, आइए बैठिए। कैसे हैं? अच्छा हूं, अपना कहिए। बिल्कुल ठीक नहीं हूं महाशय। क्यों, खोने को नहीं पकड़ पा रहे हैं? बिल्कुल सही। अरे साहब, साफ साफ समझ आ रहा है खूनी कौन है, लेकिन देखिए सबूत नहीं होने से पकड़ नहीं पा रहा। मैं कितनी अजीब सी परेशानी है बताइए। खैर छोड़िए, मेरी बात रहने दीजिए। उधर क्या हाल है जरा मुझे बताइए। पोस्टमार्टम किया है, कल तक आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। अच्छा, ये किस वक्त बता सकते हैं? अंदाजन रात 10 से 10:30 तक। 10 से 10:30। अच्छा, आपको क्या लगता है कैसे मारा होगा उसे? बाहर से कोई चोट का निशान तो नहीं है? बाहर से कोई चोट का निशान नहीं है, इसका मतलब क्या? क्या जहर देकर तो नहीं मारा? नहीं नीलमणि बाबू, जहर देकर उसको नहीं मारा गया है, उसको एक अजीब तरीके से मारा गया है। अच्छा, आप जिन लोगों पर शक कर रहे हैं उनमें से कोई मिलिट्री में काम करता है क्या? मिलिट्री? नहीं, मिलिट्री में तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ, इस औरत का पति युद्ध के वक्त मिलिट्री का कॉन्ट्रैक्टर था। उस वक्त वो उन गुरों के साथ उठता बैठता रहता था। क्यों बताइए? उस औरत के शरीर पे बाहर से कोई चोट के तो निशान नहीं है? गला दबाकर मारा है क्या? नहीं नहीं नहीं, गला दबाकर मारते तो गले पर उंगलियों के निशान तो रहते ही, और वैसे भी गला दबाकर मारने में अलग जैसा कुछ है नहीं। तो फिर कैसे, मतलब? अच्छा नीलमणि बाबू, पहले महायुद्ध में सैनिकों को बिना हथियार के युद्ध के कौशल सिखाए जाते थे, आप जानते हैं? नहीं नहीं। सुना है? नहीं सुना तो नहीं है, ये कैसा कौशल है? मान लीजिए कि घने जंगल में युद्ध चल रहा है, आप बिना किसी हथियार के एक सशस्त्र शत्रु के सामने आ गए। अच्छा, भागने का मौका नहीं है, क्योंकि अगर आप भागेंगे तो वो आपको गोली मार देगा। क्या करेंगे? क्या क्या करूंगा? आत्मरक्षा कैसे करेंगे? पता नहीं। तरकीब निकाल के, जैसे कि आप बहुत डर गए हैं, ऐसे अपने शत्रु के दाहिने ओर खड़े हो जाएंगे, उसके बाद अचानक मुड़कर दाएं हाथ के मुक्के से शत्रु के गले में जोर से वार कीजिए, थायरॉइड कार्टिलेज टूट जाएगा और उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। तुरंत मौत? तुरंत मर जाएगा। क्या क्या बात, ये तो बड़ा अनोखा तरीका है।
अनोखा तरीका तो है ही, क्योंकि गला दबाकर मारेंगे तो शत्रु आत्मरक्षा के लिए खुद को छुड़ाने की कोशिश करेगा। इसमें ऐसा कोई झंझट ही नहीं है। मारो तुरंत मौत। तुरंत मौत? अच्छा, इस औरत को इसी तरीके से मारा गया है, आप बिल्कुल निश्चिंत हैं? 100%। इसका मतलब जिसने मारा है उसे ये विद्या बहुत अच्छे से आती है। आना ही पड़ेगा, नहीं तो मौत नहीं हो सकती। ठीक है मेजर बर्मन, कल मैं किसी को भेज दूंगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए। अभी मैं चलता हूं। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। यू आर मोस्ट वेलकम। जी क्या बात है सुरेश्वर, इतने परेशान क्यों हो? वो नीलमणि दरोगा फिर से आया था। क्या कहा उसने? कुछ नहीं, कुछ गहने लेकर चला गया वो। मैं तो कहता हूं कुछ दिन अभी तू सावधानी से ही रहे। मैं कह रहा था तुम लोग थोड़े दिनों के लिए मेरे यहां पे आना बंद कर दो। अच्छा तो तुम डर गए? नहीं नहीं, डरूंगा क्यों। अरे धत, क्या करेगा वो नीलमणि दरोगा? ज्यादा पटर पटर करेगा तो हाशी के जैसा। नहीं, 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 मैं कहता हूँ दिमाग ठंडा रख, बिल्कुल चुपचाप रहे। अरे अच्छा लगता है क्या जब देखो धमकी देता रहता है, फिर से आएगा बोला है। अरे आएगा तो तुझे क्या। सुनो सुनो, मैंने एक बात बोलता हूँ, ध्यान से सुनो। क्या है बोलो। कुछ दिन के लिए तुम थोड़ा बाहर घूम फिर कर आ जाओ, समझे? उससे थोड़ा तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा और मामला भी धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगा, और नीलमणि दरोगा का आना जाना भी अपने आप कम हो जाएगा। काली बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। तो क्यों ना हम सब मिलके एक साथ ही चले जाते हैं, क्या कहते हो? बात तो सही तो है। चले। मेरे लिए ये दुकान छोड़ के जाना संभव नहीं है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा देवू विलास, तुम लोग चलोगे क्या? हाँ, हाँ, जरूर, जरूर चलेंगे, चलेंगे। पर जाएंगे कहां? कोलकाता। सुना है उस शहर में बहुत मजा आता है। कब कब चलना है? सुबह ही निकल जाते हैं, देर करने का क्या फायदा, कल ही चलते हैं। कल नहीं चलते हम लोग, कल एक काम है मुझे, परसों चलते हैं। ठीक है विलास, अगर कह रहा है तो हम परसों ही चलेंगे। हाँ परसों, परसों सुबह ही, सुबह ही। हाँ हाँ हाँ, जाओ जाओ जल्दी जाओ। अच्छा काली भैया, हम लोग उस नीलमणि दरोगा के डर से तो नहीं जा रहे हैं ना? दत, ऐसा थोड़ी ना है। चलो सलास तास खेलेंगे, चलो चलो। मैं ये कह रहा था कि आज तुम घर पे बैठ के थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा शांत हो जाओ, कल हम सब बैठकर खेलेंगे, एक साथ बैठकर ताश खेलेंगे। ठीक है फिर मैं घर जाता हूं, तबीयत ठीक नहीं लग रही। आराम से जाना, नींद सी लग रही है। तो फिर परसों सुबह निकलेंगे। संभाल कर जाना, संभाल कर जाना। ठीक है, तुम भी जा रहे हो? हाँ हम लोग भी जाते हैं। अच्छा ठीक है जाओ। दूसरे दिन सुबह मैं हवलदार को लेकर सुरेश्वर के घर गया था। जाकर देखा कि मैं गेट खुला हुआ है, देखकर लगा कि घर में कोई है नहीं। सर मुझे तो ऐसा लगता है कि आशीर का खून सुरेश्वर बाबू ने किया है, लेकिन यहां तो सुरेश्वर बाबू का ही खून हो चुका है। इसका मतलब
हाशिर और सुरेश्वर बाबू का खूनी कोई एक ही है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा देखते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कहते हैं। तुम एक काम करो, तो तुम इस लाश को हॉस्पिटल भेजने का इंतजाम करो, मुझे कुछ पूछताछ करना है। ठीक है सर। हाँ ठीक है। हाशी का खूनी अब नहीं पकड़ा जाएगा, समझे? ये मामला तो थोड़ा उलझा हुआ लगता है। खैर सुनो, तुम अपना काम करो। ठीक है। उस काली किंकर के दुकान पर। ठीक है। ठीक है सर। हे काली किंकर, कहाँ जा रहे हो? देबू के घर जा रहा हूँ। क्यों? थोड़ा काम था वहां मुझे, ये उन्हें देना है। वो लोग कल सुबह बाहर जाने वाले हैं, इसलिए अभी जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा सुनो, वो सुरेश्वर कल तुम्हारे दुकान में आया था क्या, जरा बताओ। हाँ वो हमेशा जैसा आता है वैसे आ गया था। आपको तो पता ही है बेचारे की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए जल्दी चला गया। अच्छा वो दोनों देबू और विलास, वो लोग भी क्या एक साथ ही निकले थे? नहीं, थोड़ी देर बाद निकले हैं। अच्छा दरोगा बाबू, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? ऐसे ही थोड़ी ना पूछ रहा हूँ, कल रात को सुरेश्वर मारा गया है। मारा गया? ये आप क्या कह रहे हैं दरोगा बाबू? पता नहीं, आज सुबह मैं सुरेश्वर के घर जा रहा था उसे थाने ले जाने के लिए, कुछ पूछताछ करनी थी। जाकर देखा वो बिस्तर पर बेजान पड़ा हुआ था। ऐसा कैसे हो गया बताइए? वही जानने के लिए तो मैं तुम्हारे दुकान जा रहा था। अच्छा काली किंकर एक बात बताओ तो, कल रात को सुरेश्वर ने क्या कुछ ज्यादा दारू पी ली थी? नहीं दरोगा बाबू, नहीं बिल्कुल नहीं। उस देबू और विलास से भी जानना पड़ेगा कि उनकी तबीयत कैसी है। देखो दारू में अगर जहर था फिर तो उन लोगों की भी तबीयत खराब होनी चाहिए ना। अच्छा ठीक है दरोगा बाबू, आप ना थाने चले जाइए, मैं वो दोनों को लेके यानी देबू और विलास को आपके पास लेकर आता हूँ। क्या तुम ला पाओगे? मतलब तुम्हारे कहने पर क्या वो लोग थाने में आएंगे? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं दरोगा बाबू? देखो मुझे लगता है सुरेश्वर का खून हुआ है। खून? क्या खून हुआ है? ये आप क्या कह रहे? अच्छा कहीं आप देबू और विलास पर इस मामले को लेके शक तो नहीं कर रहे दरोगा बाबू? ऐसा तो हो सकता है, वो लोग शक के घेरे से बाहर नहीं है, हो सकता है। ना 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 दरोगा बाबू, ये मैं विश्वास नहीं कर सकता। अब जानते नहीं, वो दोनों एक जान दो जिस्म है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखो काले किंकर, पैसे के लिए इंसान क्या क्या काम कर सकता है उस बारे में तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। जानता हूं दरोगा बाबू, लेकिन इस मामले में नहीं कर सकते। ये बात तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मैं उन लोगों को काफी वक्त से जानता हूं। ठीक है तो फिर होगा शायद, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब तुम देबू और विलास को थाने में लेकर आओगे, और अगर नहीं ना पाए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा काली किंकर। उस हाशी के खून में तुम सब शामिल थे, मैं कुछ नहीं कर पाया, और अभी सुरेश्वर का खून हुआ। अभी भी अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, और वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा काली किंकर। इसीलिए तुम उन दोनों को पकड़ के थाने लेकर आओगे, समझ गए? तुम लोग जो कुछ भी कह रहे हो वो सब सच है, उसका सबूत क्या है? विश्वास करना ना करना आप पर है, लेकिन कल सुबह एक साथ हम कोलकाता जाने वाले थे, ये बात सच है। हम तीनों कल कोलकाता जाने वाले थे साथ में, लेकिन
मुझे थोड़ा एक जरूरी काम आ गया था तो एक दिन बाद का सोचा। अच्छा, तो फिर सुरेश्वर का खून आखिर किया किसने है? अजीब सवाल है, ये हम कैसे बता सकते हैं? देखिए दरोगा जी, देखिए कलिंकर के दुकान से सुरेश्वर जाने के बाद भी हम लोग आधा घंटा तक वहीं पर थे, उसके बाद हम अपने घर गए। तुम लोग खुद को बहुत होशियार समझते हो ना? पर सुरेश्वर को हम क्यों मारेंगे? देखिए सर, हमारी बीवी है, हमारे घर में लोग भी हैं, हमारे घर के लोग आपस में सब एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, फिर ऐसे घिनौने काम में हम खुद को ऐसे क्यों फंसाएंगे भला, आप ही बताइए। वैसे दरोगा बाबू, आप हम पर बार बार शक क्यों कर रहे हैं? ये बात हमें समझ नहीं आ रही, पिछले बार भी आपने हम पे शक किया था, इस बार भी आप वैसा ही कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमने आपका कुछ बिगाड़ा थोड़ी ना है। ठीक है, अभी तुम लोग जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, पुलिस के इजाजत के बगैर तुम लोग ये जगह छोड़कर कहीं नहीं जाओगे जब तक इन दोनों के खून का फैसला होता है। जाओ। ठीक है, चलो चलो विलास। ठीक है। आपने विनोद सरकार से वैसे कोई पूछताछ नहीं की है ना? नहीं, विनोद बाबू पर मुझे कोई शक ही नहीं था। लेकिन संदेह क्यों नहीं था? देखिए, वो सुरेश्वर को भले ही मार सकता था, लेकिन वो हाशी को क्यों मारेगा? इसका मतलब आपको लगता है कि हाशी और सुरेश्वर को एक ही आदमी ने मारा था, है ना? बिल्कुल। लेकिन आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? वजह है, डॉक्टर बर्मन के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हमें पता चला था कि सुरेश्वर की मौत की वजह और हाशी की मौत की वजह एक है, और कॉज ऑफ डेथ जो लिखा था वो ये है कि थायराइड कॉर्टिकल टूट के बिखर जाने की वजह से तुरंत के तुरंत मौत हो गई। ये बात है। हाँ, हाशी और सुरेश्वर को एक ही आदमी ने मारा था और एक ही तरीके से मारा था। देखिए, तहकीकात करते वक्त मुझे जो कुछ भी पता चला वो सब कुछ आपको बता दिया। हाँ, ये सच है कि मुझे सुरेश्वर पर शक था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं खूनी को पकड़ नहीं पाया, यहां तक कि यह भी जान नहीं पाया कि असली गुनहगार कौन था। अच्छा, क्या आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि खूनी कौन था? हाँ बिल्कुल ही समझ नहीं पा रहा हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन सच बताऊं तो मुझे आपसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। उन सारे सवालों के जवाब मिल जाने पर मुझे सच जानने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। क्या आप मुझे उन सारे सवालों के जवाब दे पाएंगे? जरूर, मुझे जो कुछ भी पता है मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। ओ हाँ, एक और बात, सुरेश्वर के मरने के बाद आपकी सोच शायद बदल जाती है, मतलब आपको तब लगता है कि हाशी का खून जिसने भी किया हो लेकिन सुरेश्वर ने नहीं किया। सही, क्योंकि देखिए अगर कोई और खून करता तो वो एक ही तरीके से खून क्यों करता? बिल्कुल सही। तो फिर मैं आपसे अपने सवाल करूं? जरूर कीजिए। मेरा पहला सवाल, सुरेश्वर की जायदाद किसे मिली? जायदाद मिली सुरेश्वर के एक चचेरी बहन को। वो औरत अनाथ और विधवा थी, कोलकाता में किसी के घर में वो रसोईया का काम करती थी, उन्हें ही पूरी जायदाद मिली। अच्छा, नीलमणि बाबू, आपने उस औरत को देखा था? हाँ बिल्कुल, मैंने ही तो सारा इंतजाम करके दिया था।
अच्छा, जिस रात को सुरेश्वर का खून हुआ था, सुरेश्वर के तीन दोस्त काली किंकर, देबू मंडल और विलास दत्त, क्या वो लोग काली किंकर की दुकान में ताश खेल रहे थे? हाँ, उनके पीछे भी मैंने लोग लगाए थे, लेकिन पता चला था कि उन लोगों ने भी खून नहीं किया था। अच्छा अच्छा, आपने तो विनोद सरकार को पहले से ही शक के दायरे से बाहर कर दिया था, लेकिन दीनमणि हालदार, आपने उसके बारे में पता लगाया था? 50 मील दूर था तब दीनमणि हालदार। अच्छा, बीमार, हिलने की ताकत तक नहीं थी, और खून करने की ऐसी तरकीब उसे पता भी कैसे होती? वो भी सही है, वो तो, और वैसे भी हाशी का स्वभाव भी तो कुछ अच्छा नहीं था। मुझे यकीन है कि वो अच्छी लड़की थी, लेकिन उसके तो खून में ही गंदगी थी। ऊपर से उसकी माँ, माँ का नाम क्या बताया था आपने? अमला। अमला, आप और कुछ जानना चाहते हैं? नहीं नीलमणि बाबू, मुझे जो जानना था मैंने वो सब जान लिया। कुछ समझ आया? समझ तो बहुत कुछ गया। अभी मेरे सामने पूरा मामला आईने की तरह साफ है, अब कुछ भी बाकी नहीं है। सब कुछ समझ गए? हाशी का और सुरेश्वर का किन किन लोगों ने खून किया, सब समझ गए? बिल्कुल, हाशी का खून सुरेश्वर ने ही किया है, उस बारे में कोई संदेह नहीं है। आपका अनुमान बिल्कुल सही था। हाँ, लेकिन फिर इस सुरेश्वर का खून किसने किया? हाशी के बाप ने। असंभव। क्यों? दीनमणि हालदार ये खून कर ही नहीं सकता। पहली बात, वो बीमार था। दूसरी बात, ये तरकीब वो नहीं जानता था। और तीसरी बात, उसका उद्देश्य क्या था? नीलमणि बाबू, मैंने आपसे एक बार भी नहीं कहा है कि दीनमणि हालदार ने खून किया था। इसका मतलब? मैंने कहा है कि हाशी के बाप ने खून किया था। अरे, दीनमणि हालदार तो हाशी का बाप था। मैं हाशी के जन्मदाता पिता की बात कर रहा हूं। जन्मदाता पिता मतलब? आप क्या सचमुच समझ नहीं पा रहे हैं कि ना समझने का दिखावा कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कि आप बहुत बुद्धिमान आदमी हैं, आपने बिल्कुल सही समझा है। ब्योमकेश बाबू, खाना वगैरह सब तैयार है, चलिए थोड़ा खा लीजिए। हाँ चलिए। नीलमणि बाबू, ये कहानी आपने मुझे नहीं सुनाई होती तो अच्छा था, सही कहा ना? नीलमणि भैया, आप भी थोड़ा सा खा लीजिए। अरे बीरेन। हाँ भैया। मुझे थोड़ी जल्दी है, आज मैं चलता हूँ। क्यों, ठीक है भैया? आप योगेश बाबू, ऐसे क्या बात हो गई? सारी बातें अभी सुनेंगे क्या? अतिथि को खिलाएंगे नहीं? भूख लगी है, चलिए। बहुत देर हो गई है, चलिए। बाद में ब्योमकेश ने बीरेन बाबू की सारी बातें खोलकर बताई थी। बीरेन बाबू, नीलमणि बाबू की कहानी सुनकर हैरान होकर ब्योमकेश ने पूछा था। अच्छा ब्योमकेश बाबू, नीलमणि बाबू ही हाशी के पिताजी हैं, ये आपको कैसे पता चला? देखिए बीरेन बाबू, नीलमणि बाबू की कहानी सुनते सुनते मुझे बार बार लग रहा था कि हाशी के प्रति उनका कुछ ज्यादा ही लगाव है, लेकिन उनकी कहानी के हिसाब से जीवित अवस्था में उन्होंने हाशी को नहीं देखा था, और कहानी से जो गवाह मिले हैं उससे
हाशी को सती सावित्री नहीं कहा जा सकता। उसके ऊपर उसका पति शक करता था और एक अनजान आदमी उससे रात के समय में मिलने आता था, तो फिर ऐसी एक लड़की के लिए नीलमणि बाबू का इतना लगाव क्यों था? क्यों था? बताता हूं। हाशी की मां अमला भी कोई सती सावित्री नहीं थी। उसका पति दीनमणि हालदार तो जेल का पालतू पक्षी बन गया था। कुछ दिन जेल से बाहर रहता था और फिर जेल में आ जाता था। इसीलिए हम ये मान सकते हैं कि हाशी का असली पिता दीनमणि हालदार तो नहीं था। क्या बात कर रहे हैं? ये तो स्वाभाविक है बीरेन बाबू, लेकिन आप अगर विनोद सरकार के बारे में बोलेंगे तो मैं बोलूंगा कि विनोद सरकार हाशी के असली पिता नहीं थे। वजह यह थी कि अमला के साथ जब विनोद सरकार की मुलाकात हुई थी तब हाशी की उम्र होगी 3 साल या 4 साल। तो फिर कौन है? नीलमणि बाबू ने मुझसे खुद ही कहा था कि पुलिस की नौकरी मिलने के बाद वो पहली बार इसी शहर में पोस्टेड हुए थे और दीनमणि हालदार था एक पेशेवर चोर। उसे पकड़ते समय ही हाशी की मां से नीलमणि बाबू मिले, परिचय हुआ और प्यार हुआ। और इधर दीनमणि हालदार जब जेल में रहता था उसी समय पर नीलमणि बाबू जाकर मिलते थे हाशी की मां से। नीलमणि बाबू का हाशी की मां से मिलाप होता था और इसी मिलाप का नतीजा थी हाशी। नीलमणि बाबू के ट्रांसफर होने से पहले वो जान गए थे कि उनकी एक ही बेटी है और उसका नाम है हाशी। हालांकि वो पूरी जिंदगी अविवाहित थे, इसीलिए वो हाशी थी उनका एकमात्र अपना खून। मैं अब औरब से चोरी चुपके मिल नहीं पाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? और क्या होगा, मेरा पति मुझ पर शक कर रहा है। कल इस बात पर बहुत झगड़ा भी हुआ था। क्यों, सुरेश्वर ने कुछ बोला है क्या? हाँ, उसको मोहल्ले के किसी ने बोला है कि मैं इस आम के बगीचे में किसी से चोरी चुपके मिलने आती हूँ। मोहल्ले के किसी ने बोला है या वही झूठ बोल रहा है तुमसे कि वो तुमसे सच निकलवा पाए? ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। वैसे भी हम माँ बेटी को लोग कम बदनाम नहीं करते हैं, है ना? ऊपर से घर का आदमी भी शक करने से बाज नहीं आता। आ, अच्छा, ये सुरेश्वर ने तुमसे मारपीट तो नहीं की ना? नहीं नहीं, इतनी हिम्मत उसमें नहीं है। पर वो ना ऐसा कह रहा था कि उसने अलमारी खोलकर देखा है कि जो भी गहने हैं उसमें, उनमें से कुछ उसने मुझे नहीं दिए। तुमने क्या कहा? मैं क्या कहती? मैंने कहा कि 7 साल पहले तुमने जो भी गहने दिए तुम्हें याद है? सुनो, वो है ना काली किंकर दास और उनके चेले, उन्हीं लोगों ने उसके कान भरे हैं। काली किंकर? काली किंकर कौन है? अरे रात को वो जहाँ ताश खेलने जाता है वहाँ के मालिक का नाम ही तो काली किंकर दास है। बहुत बेकार आदमी है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। खैर छोड़ो, आप अभी जाओ। जाऊं? हाँ। अच्छा ठीक है, ठीक है। सच में इंसान के चरित्र के कितने रूप हो सकते हैं, वो नीलमणि बाबू जैसे आदमी को ना जानो तो समझ में ही नहीं आएगा। सचमुच जितना सोचता हूं उतना ही हैरान होता हूं।
ऐसे एक जाने पहचाने सज्जन के बारे में पूरी सोच ही बदल गई है मेरी। खैर उसके बाद क्या हुआ बताइए। उसके बाद नीलमणि बाबू नौकरी के आखिरी पड़ाव में फिर इसी शहर में आ पहुंचे और वो रात के समय टहलने निकलते थे हाशी से मिलने के लिए और कभी कभार उसे गहने भी देते थे। उन्होंने अपना परिचय हाशी को दिया था या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन हाशी को कुछ शायद अंदाजा हो गया था। इधर सुरेश्वर का शक बढ़ता जा रहा था। हादसे के दिन वो ताश खेलते खेलते बीच में से उठकर आता है और हाशी का खून कर देता है। इसके बाद की घटना मैंने आपको पूरी बता दी है। नीलमणि बाबू ने जब ये देखा कि वो अपनी बेटी के खूनी को किसी भी तरीके से अदालत के कटघरे में खड़ा नहीं करवा पा रहे हैं, तब उन्होंने ये तय किया कि वो खुद ही उसका खून करेंगे। अच्छा ब्योमकेश बाबू, ये सब कुछ तो आपका अनुमान है ना? पहले तो ये अनुमान ही था, उसके बाद ये कब सच में बदल गया पता है? कब?
जब मुझे ये पता चला कि हाशी का असली पिता कौन है, नीलमणि बाबू ही है हाशी के असली पिता। उसकी वजह यह है कि जब मैंने नीलमणि बाबू से यह पूछा कि हाशी की मां का नाम क्या है, उन्होंने कहा अमला। मां का नाम क्या बताया आपने? अमोला। एक बात सोच कर देखिए, हाशी की मां का नाम अमला है, यह बात नीलमणि बाबू को कैसे पता? मुझे इस बात में शक नहीं रहा, मुझे अच्छी तरह समझ में आ गया कि नीलमणि बाबू का अनजाना गुनहगार नीलमणि बाबू खुद ही हैं। अच्छा ब्योमकेश बाबू, नीलमणि बाबू क्या निरस्त्र युद्ध का तरीका पहले से जानते थे? नहीं, लेकिन मेजर बर्मन से सुनने के बाद उन्होंने सीख लिया था। ओ अरे वीरेन बाबू, मैं तो और रुक नहीं सकता, यहाँ मेरे ट्रेन का समय हो गया है, तो फिर आज मुझे अनुमति दीजिए। अच्छा, ठीक है ठीक है, आपके लिए गाड़ी 3D है। अच्छा, ड्राइवर को अभी बोल देता हूँ। बहुत अच्छा, चलिए।